हाय गाइस, मेरा नाम है सुभाष राम और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक हब। सो आज के दिन हम आपसे बात करने वाले हैं कि आईक्यू ने क्या फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जो कि आप अभी देख सकते हैं आईक्यू G7 के नाम से होने वाला है। और इसका जो डिस्प्ले और बाकी जितने परफॉर्मेंस लेकर इसका सॉफ्टवेयर और रियल कैमरा और बैटरी जो भी है, ये मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ये कब लॉन्च होने वाला है ये भी मैं आपको शायद बता सकता हूँ और एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ और आपको मैं बता सकता हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। और मुझे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे में है और उसे फॉलो भी कर सकते हैं मुझे, और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा। सो आगे बढ़ते हैं। आईक्यू G7 जो है ये थोड़ा सा मिड रेंज में हो सकते हैं और थोड़ा ऊपर फ्लेक्स लेवल पे भी जा सकते हैं। सो इसका बात कर परफॉर्मेंस का, तो वो होने वाला है स्नैपड्रैगन 780G विथ ऑक्टा कोर होने वाला है। और इसका जो लोअर वेरिएंट होने वाला है 128 8GB का रैम होने वाला है। सो देखते हैं और इसमें क्या क्या होने वाला है। सो ये प्रोसेसर टारगेट करता है गेमर्स को, और आईक्यू एक ऐसा फ़ोन है जो कि गेमर्स के लिए माना जाता है और परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन बना था आईक्यू ने। सो देखते हैं अब क्या होता है, ये फ़ोन कैसे तगड़ा निकलता है गेमिंग के मामले में। सो इसका बात करें डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले होने वाला है 6.8 इंच का IPS डिस्प्ले, जो कि गेमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसका रिफ्रेश रेट है वो 120Hz के साथ आने वाला है, और जो कि बेजललेस डिस्प्ले होने वाला है विथ पंच होल डिस्प्ले। और इसका बात करें रियर कैमरा का, सो ये होने वाला है 2 कैमरा होने वाला है इसमें। सो आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन में, सो एक होने वाला है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी होने वाला है और एक होने वाला है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। थैंकफुली ये भी 2 मेगापिक्सल का माइक्रो फोटोग्राफी के लिए नहीं दिया कैमरा। सो थैंक यू आईक्यू बोला चाहते हैं आपको। और इसका फ्रंट कैमरा का बात करें वो है 60 मेगापिक्सल। सो अच्छी बात है कैमरास के लिए, तो ये खासकर बनाया जा रहा तो इसमें कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन इसमें फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। सो देखते हैं कैसे होने वाला है, आने के बाद भी पता चलेगा। सो बात करें बैटरी का, सो बैटरी डिपार्टमेंट भी अच्छी खासी किया गया है वर्क। सो देखते हैं 4500 mAh का बैटरी के साथ फास्ट चार्जर होने वाला है, जो कि मुझे नहीं पता है, अभी तक कोई रूमर और लीक्स नहीं आए हैं कौन से वाट पे ये आने वाला है। और साथ ही बात करें ये एंड्रॉयड 13 पे भी बेस्ड होने वाला है, तो देखते हैं अब कैसा होता है। और इसका जो वर्जन UI होता है ये तो वीवो के साथ ही होता है, जो कि वीवो का आपको पता ही है कौन सा UI चलता है। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है। और इसका जो बात करें इसका प्राइस का, तो ये प्राइस शायद 25 to 30 तक के प्राइस में आ सकता है, क्योंकि मतलब 25 से 30 हज़ार के अंडर में आ सकता है। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है। और इसका लॉन्च डेट का बात करें तो ये शायद अप्रैल में हो सकता है शायद, या फिर मार्च में भी हो सकता है। सो देखते हैं अब क्या होता है, और जैसे ही आप मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, और जितने भी इंफॉर्मेशन जितने भी आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलें, ताकि वहाँ भी मैं स्टोरी के माध्यम से अच्छे अच्छे खबर आपको पहुँचाते रहता हूँ। सो जाइए मुझे फॉलो कीजिए। सो इतने देर तक देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। So don't leave me alone.